बसमरिम अल्लाम मैं ज़ारा ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आपका फेवरेट प्रोग्राम जायका लेकर और जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये जायका ही जायका हर सैटरडे को एक बजे से दो बजे आपकी खिदमत में हम लेकर आते हैं अपने डी एम चैनल से और जो ये टाइम है एक बजे से दो बजे क्या ज़बरदस्त टाइम है भूख का और लंच ब्रेक का अक्सर लोगों को एक आदत होती है वो बारह से दो तक अपना लंच ले ही लेते हैं तो मैं समझती हूँ कि इस टाइम के मुनासबत से और इस वक्त की मुनासबत से जो हम आपके लिए लेकर आते हैं जायका ही जायका में मैं समझती हूँ कि ये तो सोने पर सुहागा है तो आज जारा खान आपके लिए आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या लेकर आइए क्या बनाने वाली है तो आज मैं आपको जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम घर में बनाते हैं आलू की भुजिया आलू का सालन अंडे आलू आलू की तरकारी और आलू भिंडी आलू नहीं आलू भिंडी होती नहीं आलू भिंडी नहीं होती आलू होते हैं बैंगन होते हैं लेकिन एक आलू जो है हमारे आलू हमारी जो एशियन डिशेज़ हैं और इन फॉरेन कंट्री के लोगों में भी आलू बहुत फेमस है बल्कि ये लोग हमसे ज़्यादा आलू खाते हैं हम ज़रा सा आलूओं को थोड़ा सा स्पाइसी मसालादार और आलूओं के अंदर टेस्ट ला के उनको डिफरेंट करके हम खाते हैं लेकिन ये जब खाते हैं इनके सादे होते हैं मैं आज आपको आलू करी बनाना सिखाऊँगी विथ सीख कबाब ये आप लोगों के लिए एक नई डिश होगी और बिल्कुल डिफरेंट होगी क्योंकि ये डिश मेरी ओन रेसिपी है मैं अपने घर में अपनी फैमिली के लिए अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ और एवरीबडी लाइक्स क्योंकि कबाब जब खाए जाते हैं उसके साथ चाहिए होते हैं हमें सॉस चटनियाँ और सलाद और जाने लटरम पटरम और ये जो मैं आज आपको डिश देने वाली हूँ उसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए बस तो अदर रोटियाँ होनी चाहिए या एक रोटी होनी चाहिए या रोटी ना हो तो वाइट राइस होने चाहिए अगर वाइट राइस ना भी हो आप स्पून से भी उसे खा सकते हैं अगर आप स्पून से उसे खाएंगे तो फिर इतना सोचने के बाज़ार के अंदर कड़क डबल रोटियाँ बहुत ज़बरदस्त मिलती हैं आप वो भी ला सकते हैं मैं अपनी रेसिपी को लेकर आपके लिए चलूँगी आगे कि हम ये आपके लिए कैसे बनाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस डिश के लिए हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए हमें इसके लिए चाहिए सीख कबाब जो बहुत ज़रूरी है यहाँ मैं आपको कैमरे की निगाह से बताना चाहूँगी कि जो इस डिश के ऊपर हमारे स्टैंड करते हैं वो है हमारे सीख कबाब फिर सीख कबाब के बाद हम जाएंगे आलू की तरफ आलू मैंने हाफ बॉयल हाफ बॉयल करके आपके लिए मैंने रखे हुए हैं इस तरह करके काट के कतलियाँ जो आलू की कतलियाँ हम बनाते हैं आपके लिए वो मैंने इस तरह आपके लिए बना के रखी हुई हैं यहाँ मैं आपको लाऊँगी चिल्ली की तरफ ये हमारी बड़ी मिर्चें हैं और ये हमारी छोटी मिर्चें हैं यहाँ बहुत सारे हमारे पास टमाटर हैं तो ऐसा ये टमाटर है हमारे पास ये हरा धनिया है हरा धनिया के बाद हमें इसके लिए चाहिए होगा नमक गरम मसाला और नमक गरम मसाले के साथ ही साथ मैं यहाँ आपको बताऊँगी कि हमें क्या चाहिए तो हमें यहाँ चाहिए ये मैं बताना चाहूँगी आपको इसमें हमें लाल मिर्चें लाल मिर्चों के साथ हमें सूखा धनिया और हल्दी बस ये तीन चीज़ें हमें चाहिए जो हम आपको बताएंगे तो ये आप देख लीजिए लाल मिर्चें सूखा धनिया हल्दी ये तीन चीज़ें हमें यहाँ चाहिए जो हम आपको बना के देने वाले और बताने वाले और सूखा धनिया हमने गार्निशिंग के लिए रखा है और सबसे पहले मैं जब इस रेसिपी को लेके चलूँगी आपके लिए तो मैं ये बताऊँगी आपको कि इसके लिए सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन करेंगे जब हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे तो प्याज को ब्राउन करने के बाद जब हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी फिर हम उसके अंदर जैसे अभी यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पास वक्त की कमी की वजह से मैंने यहाँ आपके लिए प्याज ऑलरेडी ब्राउन करके रखी हुई है और अभी आपको कैमरा हमारा शॉट देगा तो आप देखेंगे कि प्याज के अंदर मैंने तीन बड़ी और तीन छोटी हरी मिर्चें डाली है मैंने ये मैंने इसके अंदर बना लिया है आपके लिए प्याज अब मैं यहाँ प्याज के अंदर आपके लिए टमाटर डालूँगी ये मैंने इसमें आपके लिए टमाटर डाल दिए अब जरा तो इसको मैं बताती हूँ आगे आपको इस रेसिपी को जैसे देखिए हम घर में मैं ये उनके लिए बता रही हूँ कि जो लोग फूड के साथ प्यार तो करते हैं मगर फूड बनाते नहीं हैं या वो पसंद नहीं करते कि वो फूड बनाएं लेकिन जब भी वो फूड बनाने जाएं उनको फूड की रूट्स पता होनी चाहिए कि हम कौन सा फूड बनाने जा रहे हैं और हम क्या बना रहे हैं तो जैसे मैंने आपको कहा है कि हम आलू करी विद सीख कबाब बनाने जा रहे हैं तो आलू करी विद सीख कबाब या ये कह लीजिए कि हम आलू की कतलियाँ सीख कबाब के साथ बना रहे हैं उर्दू में तो ये भी आपको नाम कुछ सूट करेगा अच्छा यहाँ ऐसा है कि जो करी मैं इसके लिए बनाने वाली हूँ आपको बताने वाली हूँ वो जो है हमारी ये समझ लीजिए कि टमाटर की चटनी जब हम घर के अंदर कभी हमारे घर में कुछ नहीं होता सौदा सुल्फ में कमी हो जाती है या हम लेट हो जाते हैं या हमारे पास गोश्त नहीं होता मीट नहीं होता चिकन नहीं होता घर में हम सोचते हैं कि जी आज क्या बनाएं हम लोग अक्सर पराठे बनाते हैं पराठों के साथ हम बनाते हैं टमाटर की चटनी ये टमाटर की चटनी बहुत फेमस है फैमिली अक्सर अपने घरों में बनाती हैं और जिन लोगों को ये पता नहीं है कि ये क्या है उनके लिए स्पेशल ये है कि उन्हें आज ये सीख लेनी चाहिए कि टमाटर की चटनी किस तरह बनती है और इसको हम किस तरह आपको सर्व करेंगे और किस तरह बताएंगे, तो आप ये देखेंगे तो सबसे पहले इसके लिए मैंने प्याज ब्राउन की प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने उसमें हरी मिर्चें डाल दी हरी मिर्चें ब्राउन हो गई तल गई जब हरी मिर्चें तल गई अब मैंने उसमें टमाटर डाल दिए जी कॉलर को भी वेलकम कहते हैं वालेकुम जी कौन बात कर रहा है और कहां से जी अपना नाम है मोहम्मद अफजाल जी मोहम्मद अफजाल साहब कर रहा आ... हूँ जर्मनी से बात जी थैंक यू वेरी मच आपका कॉल करने का आज फिर आज फिर हम है आपके प्रोग्राम जी आज हमारे प्रोग्राम के ओनर जिन्होंने पहली कॉल की जायका ही जायका में जब बन ही गए हैं आपके प्रोग्राम का हिस्सा जी थैंक यू अगर हो इजाजत तो सुनाएं आपको एक सकाफती किस्सा जी पस, ओ माशाल्लाह पाला पड़ा है किसी शायर के साथ ओ, शायर अच्छा तो नहीं है जी बस अच्छा वो एक गांव से एक आदमी जो है ना वो लाहौर चले गए जी अच्छा अच्छा जी तो उन्होंने उनके आगे ना साग बना के रख दिया अच्छा अच्छा वो खामोशी से उन्होंने साग खा लिया कोई बात ना उन्होंने की तो वो मेजबानों ने खुद ही कहा कि हम जनाब ये साग कैसा है उसने कहा मैं क्या बताऊं उन्होंने कहा कि हम तो दस गाँव में जो सबसे अच्छी फसल थी वहां से हम साग उठा के लाए उसके बाद जो सबसे दस गाँव में अच्छी साग बनाती थी हम उन्हें लेके आए अच्छा जी। उन्होंने साग बनाया बताएं अच्छा हमें साग कैसा है जी अच्छा उसने कहा अब अब साग को पंजाबी में पट्टे भी कहते है। हैं पट्टे कहते जी, जी, जी। आ, उसने कहा अब मैं आपको पंजाबी में आके बताऊं उसने कहा बात ये है ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਭਈ ਇੱਥੇ ਕੁੱਕੜ-ਜੁਕੜ ਖਾਵਾਂਗੇ। जी अच्छा वगे आया भी पठे खास रहे ने दीप अच्छा जी थे। अच्छा थैंक यू आपकी कॉल ड्रॉप हो गई और आपने बड़ा अच्छा लतीफ़ा सुनाया कि जो मेहमान मेरी समझ में तो ये आया कि जो बेचारा मेहमान आया था आ उनके लिए बड़ा महंगा सा खरीदा गया और पकाया गया और वो बेचारे पछता रहे थे कि भाई क्या पट्ठे ही खिलाने थे क्या हमारे नसीब में कुक्कड़ सुक्कड़ नहीं था थैंक यू आपका कॉल करने का और प्लीज़ इसी तरह अफजाल साहब कॉल करते रहा कीजिए जायका ही जायका में तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ टमाटर जो है खूब सारे टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं और फ्रेश टमाटर है माशाल्लाह आप देखिए कलर कितना प्यारा आ रहा है फ्रेश टमाटर्स का और आपको नज़र आ रहा है लेकिन इसके बाद जो है इसके अंदर आगे क्या चलने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला वैसे टमाटर की चटनी में गर्म मसाला नहीं पड़ता लहसुन अदरक नहीं पड़ता मगर यहाँ गरम मसाला इसलिए ऐड किया जा रहा है क्योंकि हम इसमें सीख कबाब डालने वाले हैं तो हम इसको थोड़ा सा इसकी रेसिपी को चेंज कर रहे हैं आलू की तरकारी से हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे और यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी हल्दी जी ये देखिए हाफ़ स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है अब मैं इसमें लाल मिर्चें डालूँगी मिर्चें मैं हल्की रखूँगी इसमें ये मैंने एक छोटा सा स्पून इसमें मैंने लाल मिर्चें डाल दी हैं अब मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया एक स्पून इसमें सूखा धनिया डल दिया तो ये हो गई हमारी रेसिपी ये हमारी चटनी जो थी टमाटर की वो यहाँ पर आके हो गई कंप्लीट। अगर इसके अंदर आप गरम मसाला नहीं डालते तो ये प्रॉपर टमाटर की चटनी थी इसके ऊपर आप नींबू डालिए इसके ऊपर आप लाइम जूस डाल लाइम जूस डालें इसके ऊपर इमली डाल दें या इसके अंदर आप ज़्यादा टमाटर इसमें काफ़ी हैं मैं समझती हूँ कि इतनी खटास की हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं कोई मसला नहीं है अच्छा जी यहाँ मैंने आपको बताया कि आलू मैंने हाफ़ कुक करके यहाँ रखे हैं जो हमारे आलू हैं वो आधे पके हुए हैं तो लिहाजा ऐसा है कि क्योंकि जब हम टमाटर फूड में डालते हैं अक्सर ऐसा होता है कि टमाटर आलू जो होते हैं वो ऐंठ जाते हैं। मीन आलू जो है हमारे गलते नहीं है और हमारे आलू जो होते हैं वो पक्के कच, कुछ कच्चे होते हैं कुछ पक्के होते हैं। जी कॉलर को वेलकम कहते हैं असलामेकुम हलो हेलो जी असल आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही क्या बना रहे हैं हम अल्लाह इतना चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं अफ्रीका से बोल रहे हैं क्या <laughs> हम आपके लिए आलू की आलू की करी विद सीख कबाब बना रहे हैं क्या हुआ डिश पसंद नहीं आई अच्छा जी कॉलर चले गए जी अच्छा जी नेक्स्ट कॉलर को वेलकम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हेलो जी कौन बात कर रहा है और कहाँ से मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ असलान जी आपको वेलकम कहते हैं जायका ही जायका में जी कैसी लग रही है आपको तो हमारी मतलब, रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है तो हमारे आपको ना गाजर का हलवे की रेसिपी पूछनी थी अच्छा गाजर के हलवे की रेसिपी वो तो बहुत इजी है बल्कि समझ लो मेरे तो बाएं हाथ का खेल है गाजर का हलवा बनाना चलो आप प्लीज बता रहे हैं ये जी बेटा मैं अभी बताती हूँ रुके आप दो मिनट दें मुझे मैं आपको बताती हूँ वैसे मैं स्वीट की तरफ जाती नहीं हूँ क्योंकि स्वीट्स बनाने के लिए हम स्पेशल शेफ़ लेकर आते हैं आपके लिए वो आपको स्वीट की रेसिपी देते हैं और गाजर का हलवा इतना कोई मुश्किल नहीं है लेकिन इन नेक्स्ट में शेफ़ को ला के उससे आपको इनशाला बनवा के दूंगी आपको बहुत पसंद आएगी थैंक यू आपका आपने कॉल की तो यहाँ पर देखिए हम नेक्स्ट कॉलर को वेलकम कहते हैं असलकुम हेलो असला जी वालेकुम असल हेलो जी आवा, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी अच्छा मैं मैं शायद बात कर रहा हूँ साउथ हेम्प्टन से अच्छा साउथ हेम्प्टन से साहब कैसे ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अभी आपका प्रोग्राम लगाया तो नाइस लगा आप अगर हो तो बाल्टी गोश्त की बता सकते हैं हांडी गोश्त बाल्टी गोश्त बाल्टी गोश्त की अच्छा बाल्टी गोश्त की बाल्टी गोश्त की रेसिपी भी, भी मैं आपको बता सकती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है बल्कि हमारे पास आए थे औ, ये अपने ओल्डम से मेरा ख्याल है हम एक शेफ़ लाए थे वो माशाल्लाह बाल्टी गोश्त में स्पेशलिटी करते थे तो मैं आपको उसकी भी रेसिपी दूंगी दरअसल आज दरअसल रेसिपी ऐसी है कि मैं इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट है तो मैं इन आपको पार्टी गोश्त नेक्स्ट किसी वीक में मैं आपको बना के बता दूँगी थैंक यू आपका आपने कॉल की तो यहाँ पर देखिए हमारी टमाटर की जो चटनी है ये सॉस जिसे हम कहते हैं करी करी सॉस जो है हमारी रेडी हो गई है बिल्कुल अगर आप चाहते हैं जैसे मेरी बस बहनों को या बच्चों को फैमिली में ऐसा नहीं पसंद होता कि जैसे ये जो इसकी जो चटनी में टमाटर है हरी मिर्चें हैं, ये आपको नज़र आ रही है इसको उतार लें ठंडा कर लें और मिक्सी ब्लेंडर के अंदर डाल के या चॉपर में डाल के इसको चॉप कर दें जब आप इसको चॉप करेंगे बिल्कुल स्मूदी जब ये स्मूदी बन जाए आपकी आप इसको किसी जार में डाल के आप इसको फ्रिज में रख दें जब आपका मन करे एयर टाइट जार में के और उसको जब आपका पराठा बना हुआ हो या आपकी चपाती बनी हुई हो या आपने दाल बनाई हो उसके साथ रख के इस चटनी को खाएं बहुत अच्छी लगेगी जी कॉलर को भी वेलकम कहते हैं असला हेलो अमेकुम जी कैसे ठीक ठाक yeah, बेटा जी okay? yeah, okay, आपको रेसिपी कैसी लग रही है है आप भी अच्छा थैंक थैंक यू यू वेरी मसाला फिश yeah. बेटे जी देखिए अब ये जो मैंने बनाई है ना सॉस इस सॉस के अंदर आप इमली डाल दें इसी सॉस okay. में और okay. आप बाजार से फिश लेकर आए ना गुड़िया उसको लाल yeah. मिर्चें तंदूरी मसाला काली मिर्चें नमक लगा के इसमें बेटा जी बना के ना इसी में रख दें और उसको स्टीम कर लें okay. आपकी मसाला फिश रेडी है इसी okay. सॉस में जो मैं अभी आपको बता रही हूँ yeah. इसी में आप रख दें और बेटा उसको लिट दे के तवा रख दें उसके नीचे या उसको सिमर बिल्कुल चु, उसको चूल्हे को सिलो कर दें आपकी मसाला okay. फिश रेडी है मसाला okay. फिश okay. बेटे जी कई किस्म की होती है एक स्टाइल नहीं होता मसाला फिश का लेकिन अगर उसमें अजवाइन आप थोड़ी सी डाल देंगे थोड़ी सी सूखी मेथी डाल देंगे बेटा तो आपकी जो मसाला फिश बनेगी जो फिश की ओन स्मेल होती है ना वो भी नहीं होगी यू वेलकम यू वेलकम बेटे यू वेलकम ओके थैंक यू फॉर कॉलिंग ओके यहां पर देखिए ये हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है अब मैं इसके अंदर आलू डालूंगी आलू जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आलू यहाँ पर आपके लिए हल्के से पका लिए हैं अब ये देखें आलूओं को इसमें डाल के मैंने इसको इस तरह करके दो मिनट के लिए मैं इसमें यानी कि थोड़ा सा पानी मुझे चाहिए होगा अगर कोई मुझे दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने पहले प्याज ब्राउन की प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने उसमें हरी मिर्चें डाली हरी मिर्चें डालने के बाद मैंने उसके अंदर हरी मिर्चों के बाद मैंने उसमें बहुत सारे टमाटर डाल दिए जब मैंने बहुत सारे टमाटर डाले उसमें टमाटरों को डालने के बाद मैंने उसमें गरम मसाला हाफ़ टी स्पून हल्दी हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया वन स्पून रेड चिली वन स्पून वो मैंने इसमें डाल दी और उसको डालने के बाद जब वो मसाला हमारा भुन गया फिर मैंने उसको अच्छी तरह भुना अब उसको भूनने के बाद मैंने इसमें नियरली टू स्पून और थ्री स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया आपके लिए पानी और जब तक ये पानी खुश्क होता है मैं कहती हूँ आज गर्मी बड़ी है या मुझे लग रही है चलें छोटी सी ब्रेक की जाने 아자 छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है आपके लिए आपका फेवरेट प्रोग्राम पसंदीदा प्रोग्राम जायका ही जायका लेकर और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारी रेसिपी को आलू करी विथ सीख कबाब इंजॉय कर रहे होंगे यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि आप के आपके लिए ब्रेक पर जाते हुए मैंने ओवन से ये आपकी ग्रिल चरगा निकाली और ग्रिल चरगा को निकालने के बाद मैंने इसे इसमें रखा ये देखिए इस चरगा के बीच में हमने आपके लिए कलेजी दिल रखे यहाँ हमने बनाए हैं राइस जो अफगानी स्टाइल राइस है इसमें काजू हैं इसमें बादाम है किशमिश है अखरोट है ये और ये माशाल्लाह गाजर के साथ बना हुआ है अब इसकी मैं प्रेजेंटेशन आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे आपको प्रेजेंट करेंगे ये एक डिश तो हमारी रेडी है ये हम आपको अभी मैं इसकी रेसिपी भी आपको दूंगी मैं बताऊंगी कि ये किस तरह हमने आपके लिए बनाया है तो ये देखिए इसमें काजू बादाम खिश किशमिश, जो किशमिश होती है ना उर्दू में खिशमिश कहते हैं कोई किशमिश कहता है कोई सुल्तानास कहता है कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है बस जो जो कहता है वो समझ ले ये ले जी आपकी लोग इस ये बिल्कुल स्टीम में बनी है चरखा जो है आपकी मैं आपको बताऊँ सबसे पहले चरखा के लिए मैंने एक साबुत चिकन ली उसको घर में लाकर उसको साफ़ करके धो के टिश्यू पेपर से सुखा के ये इसके ऊपर कलेजी पड़ी हुई है वैसे चरगा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरी बनी हुई है लेकिन ये इसके ऊपर चिकन कलेजी और इसके अंदर भी इसके चिकन के अंदर भी कलेजी भरी हुई है हमने फ्राई कलेजी चिकन की तो सबसे पहले ला के धो के सुखा के उसके अंदर एक गिलास पानी डाल के लहसुन अदरक काली मिर्चें सोया सॉस और नींबू का रस डाल के उसको हमने चढ़ा दिया जब वो अच्छी तरह पक गई चिकन अंदर से फिर हमने उता उठा के उसे छलने में लगा दिया छलने में रख दिया उसका पानी बिल्कुल जब सूख गया ड्राई हो गई चिकन फिर उसको मैंने बटर से उसका मसाज जैसे करते हैं इस तरह मैंने चिकन का मसाज किया जब चिकन का मसाज हो गया उसको जस्ट ग्रिलर में दे के आपके लिए उसको रेडी कर दिया ये चिकन आपके लिए रेडी है और फिर इसके बाद मैं आपको रेसिपी दूंगी राइस के के राइस अब यहाँ पर हमारी जो आलू की तरकारी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है आपके लिए और इसके रेडी होने के साथ ही साथ हमारे आलू भी देखिए कैसे अच्छे गल चुके हैं अब आलू गल गए हैं तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी सिर्फ स्टीम के लिए वो मैंने आलूओं को गलाने के लिए डाला था ये मैंने स्टीम के लिए डाला है अब मैं इसमें ये सीख कबाब रखने जाऊँगी बिसमान रहीम ये देखिए ये सीख कबाब मैं इसमें रख दूँगी आपके लिए मैं नहीं चाहती कि ये टूटे और इसकी डेकोरेशन ख़राब हो लिहाजा मैं इसके लिए थोड़ा सा अपने हाथों को कष्ट दूँगी ओह ये देखें ये सीख कबाब मैंने इसमें डाल दिए अगर ये जमे हुए होते ना फ्रीज़र के तो ये कभी भी इस तरह ना होते ये बहुत इजीली इसमें एडजस्ट हो जाते मगर ये इस वक्त फ्रेश बने हुए हैं इसलिए ये ऐसे हैं अब ये देखिए यहाँ पर इसको मैं लीड कर दूँगी यहाँ और मैं आपको बताती जाऊँगी कि आगे क्या हो रहा है और हम आपके लिए जायका ही जायका में क्या करने वाले हैं तो जी अब मैंने आपको बताया कि चरखे की रेसिपी तो मैंने आपको दे दी वेरी इजी वेरी वेरी फेमस और जब हम चरगे को लाल तंदूरी मसाला जो बाजारी होता है वो ना लगाएं अपने तरीके से कभी कभी हट के ये जो है ये स्पेशल गोरा स्टाइल है वो लोग चिकन इस तरह बनाते हैं पार्टीज़ में देखें उनके जो होते हैं अक्सर ऐसी सादा जो टर्की बनती है वो भी इतनी सादा विदाउट मसाले जस्ट काली मिर्चें और उसके अंदर थोड़ा सा हम लहसन अदरक डालते हैं वो मैं भी कि यह भी ना डालते हो लेकिन इसमें मैंने लहसन अदरक सिर्फ इसलिए डाला कि इसकी स्मेल जो है वो कम हो जाए और हमारी चिकन जो है जिस वक्त हम उसे ग्रिल करने जाएँ तो उसमें से माशाला बहुत खूबसूरत खुशबू आए तो यहाँ पर फिर मैंने उसके अंदर का सोया सॉस लाइम जूस काली मिर्चें नमक लहसुन अदरक और नमक की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा होगी जब नमक की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा होगी तो आप देखिएगा कि वो वेरी माशा जब वो बनेगा तो आपके लिए और अगर हो सके तो अगर आप बटर लगाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा बटर भी ना आप अपना सॉल्टी लीजिएगा जब आप सॉल्टिश बटर लेते हैं तो वो ऐसे चिकन को बड़ा फ्लेवर देता है बड़ा ज़ायक़ा देता है और माशाल्लाह आप उसे बहुत एंजॉय करते हैं अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने राइस आपके लिए कैसे बनाए सबसे पहले मैंने जब आपके लिए राइस बनाए राइस में मैंने प्याज ब्राउन करी जब मैंने राइस ब्राउन प्याज ब्राउन करी उसके अंदर प्याज जैसे मेरी ब्राउन हो गई उसमें मैंने बादाम पिस्ते काजू अखरोट ये चार चीज़ें मैंने डाल दी किशमिश मैंने आखिर में डाली क्योंकि किशमिश जो है वो बहुत जल्दी पिघल जा गल जाती है खुर जाती है तो उसको मैंने बाद में डाला फिर मैंने उसमें राइस डाल के जब उसमें मैंने राइस डाल दिए उसको मैंने दम पे रख दिया और आप देख सकते हैं माशाल्लाह आपको कैमरे की निगाह से हम बताएंगे कि देखिए माशाल्लाह अल्लाह नजर बद बच से बचाए कितने खूबसूरत राइस एकदम दाना दाना आपके लिए रेडी है और नमक आप डाल दीजिएगा अगर आप नमक नहीं डालना चाहते आप किशमिश को मीठे फ़्लेवर में ले जाना चाहते हैं तो डज़न मेटर वो भी आप कर सकते हैं उसको मीठे में भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे सीख कबाब भी आपके लिए रेडी है और यहाँ मैंने बड़े प्यार से आपके लिए चपली कबाब चपली कबाब हमारा दस्तरखान जहाँ पर अफगानी राइस आ जाएं किशमिश बादाम काजू और साथ ही साथ में उसके साथ तो आप बताएँ कि वो उसके बगैर चपली कबाब के बगैर कैसे कंप्लीट होगा तो चपली कबाब भी आपके लिए रेडी है <laughs> और खाने वाले भी इसको रेडी है खाने के लिए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह खाने वालों को ज़िंदगी दे और इसमें बरकत डालें फूड में जो सबको नसीब हो तो मैं आपको बता रही थी कि चपली कबाब चपली कबाब जब हम बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम चपली कबाब के लिए हम लेकर आते हैं कीमा कीमा लाते हैं कीमा ला के उसमें प्याज और मिर्चें हम वहीं से डलवा देते हैं चपली कबाब के लिए जब प्याज और मिर्चें हम वहाँ से डलवा देते हैं घर में घर में ला के हम इसमें तली हुई प्याज डालते हैं ग्रीन ऑनियंस डालते हैं हरी प्याज हरी मिर्चें टमाटर मकई का आटा साथ में दो अंडे जब हम ये दो अंडे डाल के ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देते और डालने के बाद हम इसको मिक्स करके और आप ये नमक डाल के लाल मिर्चें कुटी हुई मिर्चें सूखा धनिया ये हमारी इसकी पहचान है हमारे चपली कबाबों की कि हमारे चपली कबाब इस तरह बनते हैं और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा कैमरे की निगाह से बताऊँगी कि ये देखिए आपके लिए यहाँ पर स्टीम में सीख कबाब रेडी हो रहे मैं सिर्फ मिडल से चमचा उसमें चलाऊंगी ताकि हमारा जो चूल्हा है वो हर तरफ से इसको जले भी ना और हमारा खाना हिफान सेहत के असूलों के एन मुताबिक आपके दस्तर खान तक आए तो ये देख लीजिए आपकी ख़िदमत में हाजिर है हमारी फूड भी इस वक्त आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है यहाँ पर चले पर मैं लाइम जूस ओ माय गॉड लुक कितना प्यारा लाइम जूस ओ ये मैं इस पर डाल रही हूँ ये देखें आप ज़बरदस्त माशाल्लाह लाइम जूस इस पर पड़ चुका है ये तो जब आप खाएंगे और ये कलेजी तली हुई साथ में तो आप सोचिए बल्कि सोच के बताइए कि आप क्या खा रहे हैं इसको महसूस कीजिए इस जायके को इस फ्लेवर को जो हम आज आपके लिए जायका ही जायका में जिसका नाम ही जायको से शुरू होता है और जायकों पे ख़त्म होता है कि जैसे जायका फिर उसके बाद ही फिर एक और जायका तो दो जायके जब मिल जाते हैं तो वो बन जाता है जायका ही ज़ायक़ा आपकी खिदमत में हम लेकर आते हैं तो मैं ज़ारा खान आज आपके लिए माशाल्लाह इतनी सारी डिशेस आपके एक प्रोग्राम में लेकर आई और यहाँ चिकन कढ़ी है चिकन कढ़ाई भी है बड़ी ख़ूबसूरत सी ये देखिए चिकन कढ़ाई चपली कबाब अफगानी राइस अफगानी राइस जो है हमारे वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें मीट हो तो वह अफ़ानी राइस होते हैं जब हम उसमें गाजर काजू दाम पिस्ते अखरोट किशमिश ये चीज़ें हमारे राइस में पड़ जाती हैं तो वो अफगानी राइस बन जाता है जब वो अफगानी राइस बन जाता है तो फिर हम लोग इसमें बोइल हम लोग चा गोश्त को जो हमारा चर्बी वाला गोश्त होता है जिसकी बोटियाँ मोटी होती हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से उसको हम लोग बॉयल कर लेते हैं चर्बी वाले गोश्त को जब उसकी चर्बी गल नमक और काली मिर्चें जस्ट नमक और काली मिर्चे डाल के हम उसको पका लेते हैं जब वो बिल्कुल गल जाता है हमारे लिए हम उसको निकाल के उस पर लाइन जूस डाल के कॉलर भी हमारे साथ कॉलर को वेलकम कहते हैं हेलो हेलो असला जी असलम क्या हाल है ठीक है अल्लाह का करम आपकी दुआएं आपको बहुत करती मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है थैंक यू मेरा नाम नाजिया नाजिया आपको जायका जायका ही जाएका में वेलकम कहते हैं गुडिया जी मैं ना आपके प्रोग्राम को बकायदा देखती हूँ अच्छा नाजिया ओ... आज आपको हमारी आज की डिश कैसी लग रही है बहुत अच्छी लगी है अच्छी लगी हाँ, मसलन अच्छा क्या लगा बहुत अच्छी डिशें बनाई अच्छा थैंक यू थैंक यू मैंने आज थोड़ा सा डिफरेंट रखा है फूड को मैंने कहा वैरायटी होनी चाहिए फ़ूड में जो आप बनाती हैं जी हेलो सॉरी आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है जी ओके अल्लाह थैंक यू नाज़िया थैंक यू आपने हमें कॉल की गुड़िया तो यहाँ मैं बता रही थी कि हम उसमें अफगानी गोश्त में हम सिर्फ काली मिर्ची और नमक डाल के हम उसे चढ़ा देते जब हमारे वो गोश्त गल जाता है उसको हम उसी ऑयल में जब हमारा गोश्त जो है वो भुनने पर आता है तो हमारा जो चर्बी वाला गोश्त होता है जो इसकी पहचान है वो जब सूख जाता है तो उसी चर्बी के अंदर हम उसे भूनते हैं और वो रेडी हो जाता है एन में हम नींबू डाल के सर्व करते हैं कॉलर को, को भी वेलकम कहते हैं जी थैंक यू गुड़िया आपको रेसिपी कैसी लग रही है बहुत अच्छी वो मैं आपके कबाब शिलिंग हो जाते हैं आप तो जाते, एक काम कीजिएगा आप जब कीमा लेकर आएंगी ना घर में प्याज और मिर्चे डलवा के कीमा ले आई घर में उसमें खाने का सोडा हाफ टी स्पून डाल दीजिएगा हम लोग दरअसल पठान लोग हैं पठान कम्युनिटी जो है हमारी हम कबाब उठाते ही बड़े हैं हम जब हाथ में कबाब उठाते हैं ना तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे कबाबों की जो हमारी वो होती है ना एक तरह से हमारी मेजरमेंट होती है ना कबाब की गुड़िया देखिए मैं आपको बताऊं ये मैंने तो फिर भी लेडीज़ हाथ के हिसाब से मैंने अपना कबाब छोटा उठाया है हाथ में जब हमारे पठान भाई बनाते हैं ना आप इसको डबल कर दीजिए तो हमारे कबाब पक्के भी अगर शिलिक भी होते हैं ना तो वो इतने ज़्यादा नहीं होते वो इतने ही इससे थोड़े से छोटे हो जाते हैं और जो आप लोगों की कम्यूनिटी है ना जो आप लोग बनाते हो आप इतनी कबाब बनाते हो ये आपकी टिक्की है अच्छा ये आप लोगों की टिकिया है जब आप इस टिकिया को चूल्हे पे डालते हो तवे पे तो वो बिल्कुल श्लिंग होकर और छोटी हो जाती है तो कबाबों की तकनीक ये है कि आप थोड़े से बड़े कबाब लिया करें जब आप बड़े कबाब लेंगी तो वो इन ताला जब तक आपके पक नहीं जाएँगे और शिलिंग नहीं होंगे लेकिन जब आप कीमा लाती हैं उसमें हाफ़ टी स्पून खाने का सोडा खाने का सोडा डाल के उसको हाफ एन आवर के लिए लिड रख के उसको साइड में कर दें फिर आपके कबाब इन शाह कभी शलिंग नहीं होंगे जब आप बनाने जाएंगी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जैसे आपके कबाब हैं आप उससे थोड़े बड़े कबाब लीजिए जितने आपके शलिंग भी हो जाएंगे ना फिर भी आपका कबाब इतना रहेगा जैसे शामी टिक्की लेते हैं तो शामी टिक्की के लिए हम छोटा पेड़ा लेते हैं आप समझ लें एक शामी टिक्की की जगह दो शामी टिक्कियाँ आप चपली में उठा लें तो आपके चपली कबाब बेस्ट बनेंगे थैंक यू मैं समझती हूँ अब तो आप मतम हो गई होंगी वैसे ईमान से जब मैं रेसिपी देने जाती हूँ ना मैं बहुत प्यार से बहुत जैसे मैं अपने बच्चों को घर में डील करती हूँ जैसे मैं उनको बताती हूँ कि ऐसा होना चाहिए फ़ूड में ऐसा होना चाहिए इसी तरह मैं आपको बताती हूँ जी कॉलर को वेलकम कहते हैं असलकुम हेलो अम हलो अलैक जी कौन बात कर रहा है और कहाँ से हाँ मेरा नाम सहार है चाहिए लंदन से जी अच्छा जी मैंने आपको पूछना था, आप मेरा किा सकते हो क्या जी आप हो आपका कबाब ये तो मुझे सोचना पड़ेगा कि आप का कीमा कैसा होगा और वो कीमा करेगा कौन ये मुझे नहीं मालूम थैंक यू क्योंकि मैं अक्सर ऐसा कहती हूँ कि हमारा कीमा, इसलिए आपको ऐसा लगा थैंक यू आपने हमें कॉल की जी कॉलर को वेलकम कहते हैं वालेकुम कैसे ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ आप कैसे हैं जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से जी मेरा नाम शाज़मिन है अच्छा शाजिया आपको कैसा लग रहा है जायका ही जायका बहुत अच्छा है अच्छा हां बहुत अच्छा सब कुछ सीखने को मिलता है नया नया शाजिया जो मेरे रेसिपी आपको देती हूँ समझ आती है हाँ बहुत अच्छी समझ आती है मुझे आपको पूछना था कि आप जो चापली कबाब की रेसिपी अभी दे रही थी ना जी वो आप जरा फिर से बोल सकती है प्लीज चापली कबाब की जी अच्छा मैं फिर से बोल दूंगी ऐसी कोई बात नहीं है मैं अभी देती हूं आपको 2 मिनट दीजिए दे अच्छा उस थैंक यू वेरी मच आपका कॉल करने का बड़ी नवाजिश आपकी खुश रहे आबाद रहे इसी तरह जायका ही जायका में चार चौदह बीस चांद लगाते रहें क्योंकि मेरा एक चांद से कुछ नहीं होने वाला मुझे बहुत सारे चांद चाहिए तो थैंक यू आपने हमें कॉल की यहाँ पर अब मैं देखिए आपके जो सीख कबाब बने हैं उस पर मैं लाइम जूस वो मैं इस वक्त डाल रही हूँ और इसलिए डाल रही हूँ कि हमारे आलू जो हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं तो जब तक अच्छा जी हमारे प्रोग्राम जायका ही यायक़ा का अप का टाइम भी आ गया और जब आपको पता है जब अप का टाइम आ जाता है और डिशे रेडी हों आपके लिए तो जारा ख़ान को बड़ी खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुदा नजर बद बच से बचाए मेरे हर प्रोग्राम में मेरी हर रेसिपी रेसी रेडी होती है आपके लिए और मैं आपसे आज के लिए विदा लेना चाहूँगी इन ताला तद की बखेर रही और अल्लाह ताली ने और वक्त ने इजाज़त दी तो नेक्स्ट वीक आपके लिए बहुत खूबसूरत रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे जी अल्लाह हाफिज़